इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा 22 सितंबर की करंट अफेयर। 22 सितंबर की करंट अफेयर स्टार्ट करने से पहले, अगर अभी तक आपने रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए अब तक 300 प्लस जीके के क्वेश्चन का वीडियो नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके देख सकते हो। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना, डेली करंट अफेयर आपको इसी चैनल पर करवाए जाएंगे। आज की करंट अफेयर स्टार्ट करने से पहले कल के क्वेश्चन की बात करते हैं। डेली करंट अफेयर में लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, आप उसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कल का क्वेश्चन था, हाल में किस राज्य सरकार ने अपने सचिवालय का नाम डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की। आपके पास ऑप्शन थे राजस्थान, कर्नाटक, तमिलनाडु या तेलंगाना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में तेलंगाना राज्य सरकार ने अपने सचिवालय का नाम डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की करंट अफेयर 22 सितंबर के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने नीति आयोग की तर्ज पर एक राज्य स्तरीय संस्थान की स्थापना करने की घोषणा की है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र राज्य सरकार ने नीति आयोग की तर्ज पर एक राज्य स्तरीय संस्थान की स्थापना करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में तूफान नान माडोल ने दस्तक दी है, यानी कि नान माडोल नामक तूफान ने दस्तक हाल ही में किस देश में दी है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जापान देश में हाल ही में तूफान आया नान माडोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में चार पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में चार पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं बजरंग पूनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान सवेलिये डे ला लीजन डी ऑनर यानी नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सवेलिये डे ला लीजन डी ऑनर से डॉक्टर स्वाति पिरामल को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस आयोग के द्वारा एक नए डिजिटल प्रकाशन BLOE पत्रिका का विमोचन किया गया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा एक नए डिजिटल प्रकाशन BLOE पत्रिका का विमोचन किया गया। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने SC ST और अन्य के लिए आरक्षण बढ़ाकर 77% किया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में झारखंड राज्य सरकार ने SC ST और अन्य के लिए आरक्षण बढ़ाकर 77% किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में देवेंद्र झाझड़िया ने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स में कौन सा पदक जीता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में देवेंद्र झाझड़िया ने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स में सिल्वर मेडल जीता है यानी कि रजत पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने 512 नई इंदिरा रसोइयों का शुभारंभ किया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में राजस्थान राज्य ने 512 नई इंदिरा रसोइयों का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल ने 120 फीट लंबा राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्र को समर्पित किया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने 120 फीट लंबा राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्र को समर्पित किया है। आज का क्वेश्चन है, किस राज्य में स्थित राखीगढ़ी में दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति का संग्रहालय बनाया जाएगा। आपके पास ऑप्शन है हरियाणा, राजस्थान, पंजाब या गुजरात। राइट आंसर क्या है आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड किया जाए सबसे पहले आपके पास पहुंचे।